अयोध्या अटल पाठशाला में वीरू भगत ने सपत्नी अपनी बच्ची का मनाया जन्मोत्सव। मुंगेर से लाल रंजन की रिपोर्ट। श्रद्धेय अटल पाठशाला में वीरू भगत ने सपत्नी अपनी बच्ची का मनाया जन्मोत्सव। मुंगेर से लाल रंजन की रिपोर्ट। एक सही पहल जिसका उद्देश्य सकारात्मक हो और समाज के विकास के लिए हो, तो अगर प्रारंभ अकेले भी करें तो न जाने कितने हाथ आगे आते हैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने को। जी हाँ, ऐसा ही कुछ भाजपा कला संस्कृति प्रकोष्ठ के जिला संयोजक सतगुरु प्री ठाकुर और भाजपा महिला मोर्चा की जिला महामंत्री सारिका ठाकुर द्वारा लिए गए पहल, जिसमें मलिन बस्ती में श्रद्धेय अटल पाठशाला के माध्यम से मलिन बस्ती के गरीब बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का महती कार्य देखने को मिल रहा है। आज उसी मुंगेर किला परिसर स्थित मलिन बस्ती के श्रद्धेय अटल पाठशाला में बच्चों के बीच वीरू भगत ने सपत्नी अपनी बच्ची का जन्मोत्सव मनाया और साथ ही पाठशाला में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को बच्ची के माता पिता ने उत्साहपूर्वक कॉपी, पेंसिल, कटर, रबर, स्लेट, चौक, बिस्किट व टॉफी का वितरण किया। वहीं इस अवसर पर पाठशाला को बैलून से भी सजाया गया और बड़े ही उत्साहपूर्वक जन्मोत्सव मनाया गया। इस मौके पर पाठशाला की शिक्षिका, भाजपा महिला मोर्चा की जिला महामंत्री सारिका ठाकुर, कला संस्कृति प्रकोष्ठ के जिला संयोजक सतगुरु प्रिय ठाकुर, सह संयोजक अनिल सिंह, सह संयोजक अवधेश कुमार प्रमोद एवं प्रकोष्ठ के राणा आर्ट प्रियस ठाकुर, ओबीसी मोर्चा के जिला महामंत्री अरुण यादव, ओबीसी मोर्चा के नगर अध्यक्ष राजश्री, साहिल ताती, वीरू भगत सपत्नी एवं मलिन बस्ती के नेतृत्वकर्ता फागु मांझी एवं दर्जनों लोग उपस्थित थे। मुंगेर से लाल रंजन की रिपोर्ट। अटल पाठशाला में आज एक अभिभावक ने अपनी बच्ची का जन्मदिन मलिन बस्ती की बच्चों के साथ मनाया। कहाँ से मिली ये प्रेरणा आपको? सर, मैं ये सोच बहुत पहले से रहा था लेकिन इसको पूरा नहीं कर पा रहा था। इसके लिए मुझे एक कोई ऐसा जगह नहीं मिल पा रहा था कि मैं इसको पूरा कर पाऊँ, लेकिन मेरी मुलाकात सतगुरु जी से और मैडम से हुई और मैंने अपनी बात इनसे रखा कि मेरे मन में है कि मैं इन मलिन बस्ती में जाकर के अपने बच्चे का जन्मदिन मनाऊं। तो इन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, बताया कि हम आपको पूरा मतलब समर्थ आपके साथ हैं, चलिए हम चल के आपके साथ यहाँ बच्चे का जन्मदिन मनाएं। और इनके सहयोग के बिना हम इस चीज़ को पूरा नहीं कर पाते। इनके साथ आए और इनके सहयोग के साथ हम अपने बच्चे का आज यहाँ इस प्रांगण में जन्मदिन मनाएं। सतगुरु जी, आपके इस पहल से लोग काफ़ी प्रेरित हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सर्वप्रथम वीरू भगत जी का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से इन्हें धन्यवाद देता हूं। इनकी बच्ची खूब आगे बढ़े, खूब दुनिया में नाम करे। इनका सपना है कि मेरी बेटी डॉक्टर बने और मैं चाहूँगा कि डॉक्टर अगर आपकी बेटी बनती है, ऐसे गरीब बस्तियों मैं जरूर जा कर के निःशुल्क शिक्षा का जो है स्वास्थ्य लाभ का दान दें, कोई वहाँ पर बीमार होके ना गुजरें। ये इस बात का भी प्रेरणा अभी से आप अपनी बच्ची में डालें। और रहा सर दूसरी बात कि ये हमारा कारवां और भी आगे जाने वाला है। अच्छे अच्छे लोग शहर में समर्पित लोग, आज आज़ादी के हम लोग 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं और हम तो ऐसे ऐसे सीन को मैं यहाँ देखता हूँ कि मेरा मन द्रवित होता है। मैं पिछले दफ़े भी जो है एक वीडियो लाइव किया था, उसमें एक बच्ची ने बयान दिया कि हमारे पिता ने दूसरी शादी कर ली और हमें छोड़ करके वो भाग गए और मेरे दादा दादी भीख मांग करके मुझे पाल पोस रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, केवल अपने पेट भरने से पेट नहीं भरता, कभी दूसरे के लिए जाग कर देखो, कभी दूसरे के लिए मेहनत करके देखो। और मैं दिल से कहता हूँ, जिस दिन आप ऐसा कदम बढ़ाएंगे, आपको लगेगा नहीं, एक दुनिया और था जहाँ पर मुझे कुछ करना चाहिए था। और मैं इस विश्वास के साथ
इस कार्य को और भी आगे अंजाम दूंगा।